अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम कोट की कटिंग सीखेंगे, तो हमारे साथ रहे वीडियो के आखिर तक। तो इसके लिए हमारे पास छाती है 36.5, कमर 33 और हिप 40। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, वही हमेशा की तरह हम पहले डायग्राम बनाएंगे, एक स्क्वायर शेप, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे बैक की कटिंग के लिए। और ये दूसरा लाइन फोल्डिंग के लिए होता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो लेंथ है हमारे पास 28, हम इसे रख देंगे 29, यानी 1 इंच ज़्यादा। और डाउन देंगे 1.5 इंच और अर्मोल के रख देंगे 10 इंच और 1.5 इंच से ऊपर, और कमर रख देंगे 17 इंच पे। तो अब इन लाइन को स्ट्रेट करने के लिए वही मार्किंग हम दोबारा लगाएंगे। ये नीचे बॉटम में हम निशान लगाएंगे 2 इंच का शेप के लिए, और कॉर्नर में निशान लगाएंगे 1.5 इंच का। और ऊपर क्रॉस बैक में हम शेप देंगे शेप पट्टी के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास है छाती 36.5, तो छाती का दूसरा हिस्सा हम स्क्वायर पे रख देंगे ठीक उठाने के लिए। और यहाँ से हम 370 नीचे आएंगे ताकि बैक में रेंगल ना बने। तो तीरा है हमारे पास 18, तो ये हम रख देंगे 9, और एक्स्ट्रा हम रख देंगे 370 सिलाई के लिए। तो यहाँ पे क्रॉस बैक ले लेंगे हम 9 और 3 से आधा इंच कम, और यहाँ पे 1 इंच और कम 8 पे हम निशान लगाएंगे, और यहाँ पर भी 8 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे चाक के लिए, और चाक का लेंथ हम रख देंगे 8 इंच। 8 इंच एक नॉर्मल साइज होता है चाक का। और यहाँ से हम टीक उठाएंगे 1 इंच।
दोस्तों मेरे भाई वो हमेशा की तरह दूसरे नंबर पे फ्रंट की कटिंग की जाती है। तो अब हम फ्रंट की कटिंग फ्रंट के लिए एक रेट एंगल ड्रा करेंगे और सेम वही मार्किंग जो हमने बैक पे ड्रा की थी वही हम पेस्ट करेंगे फ्रंट के लिए। तो इसके बाद बारी आती है तख्ती बनाने की। तो तख्ती बनाने का फार्मूला ये है, छाती का चौथा हिस्सा और इससे 1/4 इंच माइनस करेंगे। और यहाँ पे 1.5 इंच में हम एक और निशान लगाएंगे पॉकेट के लिए, 4 इंच पॉकेट, और पॉकेट के सेंटर में डॉट के लिए निशान लगाएंगे। और यहाँ पे 1.5 इंच कंधे का निशान है। और सामने वाला पॉकेट 1/2 इंच क्रॉस में होता है तो हम इसे 1/2 इंच क्रॉस में कर देंगे। अब हम निशान लगाएंगे डॉट के लिए बिल्कुल स्ट्रेट। और मेरे भाई याद रखिए ये डॉट 1/2 इंच पॉकेट से नीचे होना चाहिए। तो अब हम पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट का फार्मूला ये है, छाती का दूसरा हिस्सा स्क्वायर के मुताबिक। और यहाँ पे हम 18 में निशान लगाएंगे पैनल के लिए। ये निशान हम लगाएंगे पैनल के लिए और इससे हम 1/2 इंच का पीस निकालेंगे और इसको हम 1/2 इंच क्रॉस में कर देंगे। A1 बटन है तो इसलिए हमने एक निशान लगा दिया बटन के लिए और बटन होल के लिए। कंधा बनाएंगे हम बैक के कंधे के मुताबिक। गले को डाउन करेंगे 4 इंच, क्योंकि 4 इंच एक नॉर्मल डाउन होता है कोट के लिए। यहाँ से हम 1 इंच का एक और मार्क लगाएंगे नफेल के लिए और ये मार्क हम सीधा ड्रा करेंगे बटन के मार्क तक। नफेल हम रख देंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। तो आजकल ज़्यादा चौड़ा नफेल वो सही नहीं लगता तो इसलिए हम 1/2 इंच नफेल रखते हैं, क्योंकि ये एक बटन कोट है तो इसके लिए 1/2 इंच नफेल बहुत अच्छा है। और यहाँ पर हम गोलाई देंगे 2.5 इंच, क्योंकि एक बटन कोट है तो इसकी गोलाई ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए।
अब हमने जो बैग में वो क्रॉस बैग का नाप दिया था और कमर का और हिप का, तो अब हम वो उससे माइनस करेंगे। इन्हें क्रॉस बैग में हमने रखा था 9 इंच और कमर में रखा था 7.5 इंच, और ये 1 इंच का पीस हम निकालेंगे फिटिंग के लिए। तो अब हम यहाँ से माइनस करेंगे 9 इंच और छाती तकसीम करेंगे 2 पे, तो 18.25 में हम निशान लगाएंगे और 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। और वही तरीका, कमर हम माइनस करेंगे 7.5 इंच और छाती का दूसरा, कमर का दूसरा हिस्सा और 5 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। और इसी तरीके से बैक का भी हम माइनस करेंगे 7.5 इंच और 20 पे निशान लगाएंगे और इसका हम रख देंगे 4 इंच एक्स्ट्रा। वही और तीसरे नंबर पे अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन की। तो आस्तीन में सबसे पहले कटिंग होती है गोली की, तो हम गोली के लिए मार्क लगाएंगे वही रेट एंगल शेप का। और इसको हम डाउन देंगे 1.5 इंच का, और ये छाती की दूसरे हिस्से पे हम निशान लगाएंगे और इसको करेंगे स्ट्रेट। और हम इससे 3 इंच माइनस करेंगे और वही 10 पे निशान लगाएंगे और 1 इंच से ऊपर जाएंगे, क्योंकि 1.5 इंच और 1.5 इंच हमने बैक में और 1.5 इंच हमने फ्रंट में डाउन की थी, तो वही 3 इंच से माइनस करेंगे। और लेंथ का निशाना बाजू का हम 1 इंच ज़्यादा लगाएंगे ताकि आधा इंच पैड में चला जाए और आधा इंच सिलाई में, और यहाँ से हम 1.5 इंच में डाउन करेंगे।
इन मार्किंग को ज़रा हाईलाइट करते हैं। और ये मैंने इसका जो मूड़ है ये मैंने 1 इंच क्रॉस कर दिया। और यहाँ पे 3 इंच हम फोल्डिंग के लिए एक और मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे और एक मार्क 1/2 इंच का। और ये हम छाती का चौथा हिस्सा यानी 1.25 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पर भी 1.5 इंच प्लस 1/2 इंच और ये हम 1.75 पे निशान लगाएंगे।